हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको फेफड़ों में कफ जमा हो गया है या फिर उसे हम छाती में कफ जमा होना कहते हैं और आपको बार बार बलगम आ रहा है या फिर आपकी जो नाक है वो भरी हुई है या फिर बह रही है और आपको बार बार गला साफ करना जाने पड़ता है और आपको गीली खांसी है, तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम बलगम कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम बलगम के बारे में स्टडी करेंगे कि बलगम के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन से जानेंगे, देन उसकी कॉजेस किस कारण से हो रहा है, उसके क्या लक्षण हैं, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है वो आज हम हमारे आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करें कि खांसी एक सामान्य प्रतिवर्त क्रिया है जो हमारे गले के बलगम या बाहरी जलन को साफ करती है, जबकि हर कोई समय समय पर अपना गला साफ करने के लिए खांसता है। कोई इंसान जब भी खांसता है तो वो क्यों खांसता है? बिकॉज उसके गले में बलगम जमा हो गया है, कफ जमा हो गया है, तो उस फ्लेगम को बाहर निकालने के लिए इंसान खांसता है। तो अब हम जाने कि कई स्थितियों में अधिक बार आपको खांसी हो सकती है। 3 सप्ताह से कम समय तक रहने वाली खांसी एक तीव्र खांसी है। गीली या छाती वाली खांसी तब होती है जो बलगम या कफ, और उसे हम फ्लेगम कहते हैं, थूक कहते हैं, जो कि आपके गले से बाहर पैदा करती है। और हम जाने कि नींद से जागने और बात करते समय लक्षण अक्सर बदहर होते हैं। सामान्य सर्दी के संक्रमण के बाद गीली खांसी अंतिम लक्षण हो सकता है। तो ये आपको खास ख्याल रखना है कि बलगम में इस तरह से आपको हो सकता है। अब हम जानें कि बीमारी होने के कारण क्या हैं, बलगम किस कारण से हो सकता है। सबसे पहले जो कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सामान्य सर्दी जुकाम के कारण भी आपको बलगम रह सकता है, गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज यानी कि GIRD, उसमें अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, अस्थमा है आपको, न्यूमोनिक कंडीशन है, देन उसके बाद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसे हम COPD कहते हैं, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, फेफड़ों में घाव हो गया है या फिर सिगरेट पी रहे हैं आप, एलर्जी है आपको, तो ये जो सारे कारण हैं उस कारण आपको बलगम बन सकता है। और स्पेशली खासतर ये जो बलगम है वो वातावरण से होता है, यानी कि जब भी सीजन चेंज होती है, ऋतु चेंज होती है, उसे हम सीजनिंग एलर्जी कहते हैं। और वातावरण के कारण, लाइक फॉर एग्जांपल, अब हम समझे कि अगर आपको मिस्ट की एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, सीजन की एलर्जी है, तो उसके कारण वातावरण चेंज होने से भी आपको बलगम की बीमारी हो सकती है। अब समझते हैं सिम्टम्स के बारे में कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। सबसे पहला जो लक्षण है वो है बहती या भरी हुई नाक। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो ये जो नाक है वो बहती और भरी हुई है। हमारे गले के पिछले हिस्से में तरल पदार्थ के बहने का एहसास होता है, यानी कि नाक के बाद टपकना। हम जब भी खांसते हैं या फिर छींकते हैं तो आपको गले के पीछे ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कुछ भरा भरा सा रह रहा है, बार बार गला साफ करने जाना पड़ता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें खांसी में खून आ सकता है और आपको गले में खराश रहती है, स्वर बैठ जाता है खांस खांस के, खरखराहट और सांस की तकलीफ होती है। तो आपको जब भी बलगम जमा हो जाता है, नाक में जमा हो जाता है, गले में जमा हो जाता है, तो उसके कारण खरखराहट सी आवाज आती है और उसके कारण आपको क्या होता है कि ब्रीथिंग यानी कि सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं, आपके मुंह में जलन सी होने लगती है क्योंकि आपका जो टॉन्सिल का जो पार्ट है वो पूरा छिल चुका होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, मुंह में खट्टा स्वाद आना जो कि कफ के कारण आपको होता है, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो बलगम के रहते हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि इसका निदान कैसे हो सकता है, तो सबसे पहला जो इसका निदान है गेस्ट्रो इसोफेगल अध्ययन,
उसका टेस्ट आपको करवाना है, यानी कि हमारा जो गेस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसका जो पूरा एग्जामिन है वो करवाना पड़ता है। देन फिजिकल जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्पायरोमीटर से भी आपका बलगम चेक हो सकता है एंड आपका स्पूटम चेक करते हैं, यानी कि जो फ्लेगम है वो किस तरीके से आ रहा है, बलगम है वो कौन से कलर में आ रहा है। तो बलगम के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, तो उसके पता चल सकता है कि आपको एलर्जी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो इस तरीके से बलगम का डायग्नोसिस हो सकता है। उसके बाद रक्त और त्वचा का परीक्षण होता है, देन ब्रोंकोस्कोपी, बायोप्सी, सीटी स्कैन, इकोकार्डियोग्राम एंड छाती का एक्सरे। अगर आपके छाती में कफ जमा हो गया है, वहां पे आपको लंग्स में आपको कफ जमा है, तो एक्सरे से भी पता चल सकता है। अब समझते हैं कि इसका उपचार कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहला जो है वो आपको वसा का हर्ब, ड्रिंक वार्म वाटर लेना चाहिए, हिमालय कफलेट सिरप पीनी चाहिए, एक्सपेक्टोरेंट जो वेरियस मार्केट में अवेलेबल है वो आपको लेने चाहिए, डीम्यूलिसेंट, देन म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, एंटीटसिव एजेंट्स एंड ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो आप ले सकते हो। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको इसी तरीके से कोई डिजीज हुआ है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होगा, एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए होगा, तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको मेडिसिन के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे सकूं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको वसा का सिरप, जो कि हिमालय की आती है, तो इसका जो डोज है वो 5 ml दिन में 3 टाइम का है, तो आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। दिन हिमालय कॉफलेट जो सिरप आती है, कफ सिरप, वो भी आप ले सकते हैं दिन में 3 बार 5 ml। देन ब्रोविस 4, ये भी एक एंटी टसिव है, तो ये भी आप ले सकते हैं 5 ml 3 times a day, ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है। देन लोजेंजेस ले सकते हैं, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड की कफ के लिए स्पेशल बनाई जाती है, तो उसका जो डोज रहता है 1 to 2 डोज लोजेंजेस पर डे। देन नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट नंबर 5, टोसेक्स। तो टोसेक्स वो भी एक सिरप है, उसमें क्लोरफेनिरामाइन एंड कोडेन फोस्फेट सिरप आती है कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो डोज रहता है 5 ml दिन में 3 बार। देन रिसवास नाम की भी डॉक्टर रेड्डी की सिरप आती है, तो ये भी आप ले सकते हैं 5 ml दिन में 3 बार। उसके बाद कफ कैर टी, यानी कि कोडेन फोस्फेट का कॉम्बिनेशन में आता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन हो गई है जिसके कारण आपको बलगम आ रहे हैं, कफ आ रहे हैं, तो आपको इसका डोज 5 ml दिन में 3 बार लेना है। देन कफरिल डी, तो ये भी आप ले सकते हैं, इसका भी डोज 5 ml दिन में 3 बार रहता है। देन कफरेक्स NF सुपीरियर एक्शन देता है ये, तो इसमें जो कंटेंट है डायफिनहाइड्रामाइन HCl, टर्पिन हाइड्रेट, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट एंड मेंथॉल, तो ये जो कॉम्बिनेशन की सिरप है उसका भी सेम डोज रहता है 5 ml दिन में 3 बार। एक्सपेक्टोरेंट की अगर हम बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक, यानी कि आपके जो ब्रोंकियोल्स है उसे डायलेट करके म्यूकस को बाहर निकालता है, तो ये जो सिरप है एस्कोरिल, इसका डोज रहता है 5 ml दिन में 3 बार। देन कॉफ सेल्स लोजेंजेस आते हैं, तो कॉफ सेल्स भी आप ले सकते हैं, इसमें जिंजर और लेमन का फ्लेवर अच्छी तरीके से गुला हुआ होता है, तो ये हमारे जो सोर थ्रोट है उसे अच्छी तरीके से वेल मेंटेन रखती है और आपको खांसी या बलगम नहीं आते हैं, तो इसका जो डोज रहता है 1 to 2 लोजेंजेस पर डे। देन इपका की सॉल्विंग कफ टेबलेट आती है, अगर आपको सिरप नहीं चाहिए, लोजेंजेस ड्रग नहीं चाहिए, तो हमारे पास आपके लिए टेबलेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसमें जो कंटेंट रहता है डेक्सामेथासोन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मेलेट टेबलेट, तो ये टेबलेट आपको दिन में 1 या फिर 2 टेबलेट लेनी है। देन उसके बाद एलर्जिक कफ के लिए आप मोंटेल्यूकास एंड लिवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जिसका नाम है मोंटेकैल्सी, तो आपको सिंगल टेबलेट यानी कि 1 टेबलेट दिन में 1 बार लेनी है। देन उसके बाद जो ऑप्शन रहता है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कफ के लिए इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, तो ये जो मेडिसिन है वो डेरीफाइलिन में अवेलेबल है, तो अनकोटेड टेबलेट है, तो ये टेबलेट भी आप दिन में 1 से 2 टेबलेट ले सकते हो। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट है वो बलगम के लिए है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही डिजीज के बारे में आपको और भी सीखना है और आपको ऐसी ही मेडिसिन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।